लोग आशुखाना मकैनाल साहब कारवान साहो कोली मस्जिद के बिल्कुल करीब ये कदीम आशुरखाना है जो नोटिफाइड गजित वक्फ प्रॉपर्टी है और यहाँ पर हम बचपन से यहाँ आते थे। ये यहाँ पर कमान थी, नखारखाना था और सामने अलावा था और कुबूर थे, सारे का सारा मिटा दिया गया और ये काफ़ी अरसे से ये काम हो रहा है यहाँ पर। मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी बात किया और मैं तमाम जो वक्फ के एक्टिविस्ट है उन तमाम से गुजारिश है कि देखिए इस तरह से शहर हैदराबाद के खल्ब में अवकाफी जायदादों की ये तबाही हो रही है। चेयरमैन साहब पूरी टीम को यहाँ पर भेजे, मैं मशकूर हूँ उनका, मगर साथ ही साथ मैं गुजारिश करता हूँ कि ये जो खबर यहाँ पर तोड़े गए नखारखाना ये अलावा वगैरह जो तोड़ा गया उसके खिलाफ फौरी 52A के तहत केस रजिस्टर कराया जाए और खातियों को जो भी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और डायरेक्ट मैनेजमेंट में अगर कोई मुतवली है, मुतवली होते हुए भी किस तरह से ये गैरकानूनी काम करता है, वो अपने आप को कोई वहां के उनके एक दो आदमी है वो बोल रहे हैं कि हम मुतवली की तरफ से आए, मुतवली किस तरह से यहां पर नखारखाने को अलावे को कबूर को तोड़ने का अख्तियार है किसी को भी नहीं है। रिन्यूवेट अगर करना भी है तो वो बोर्ड को जाकर रुजू होना, हम रिनोवेशन है रिनोवेशन करना है वहां पर बाजबता पूरे मशीन लगा के नाटों के पूरे कटाई का काम हो रहा, पूरा देखिए मार्किंग कर दी, ये पूरा बड़ा यहाँ पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं क्योंकि लब्बे सड़क ये रोड है। ये पूरा मैं चेयरमैन से और तमाम वक्फ बोर्ड के अहदेदारान और मुतालिका एमएलए मुतालिका एमपी और तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि इसके तहफ्फुज़ के लिए फौरी इकदाम करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, आशुरखाना मकैनाल साहब को तोड़ने वालों को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, आवाज दो, आवाज दो। आज की तारीख इतनी एक तो अहम तारीख है जो शहादत है बीबी फातिमतुल ज़हरा सलामुल्ला जो आज ही के दिन शहादत हुई आपकी और आज उनके बेटे का इमाम हुसैन के नाम से मंसूब आशुरखाना शहीद हुआ है और यहाँ पर इनके नक्कार का नाम इस्तेमाल हुआ है। इसके खिलाफ हम सब आवाज उठा रहे हैं और वक्फ के जो ऑफिसर हैं तकरीबन आज के 10 ऑफिसर पूरे बिगड़ जाए और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मगर कानूनी कार्रवाई सख्त। दोस्तों मैं तफ्फू, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप लोग यहाँ देखते रहिए टीएन न्यूज तेलंगाना और आंध्रा न्यूज चैनल। आखिरी किराक अपडेट दे रहे लोग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहमद कुरैशी। आप लोगों को अगर फास्ट न्यूज देखना है तो ये चैनल टीएन यानी तेलंगाना आंध्रा न्यूज को फॉलो करिए, शेयर करिए। थैंक यू।